करवा चौथ के लिए खूब सारी शुभकामनाएं दोस्तों, उन दोस्तों के लिए जो इसको सेलिब्रेट करते हैं। आई होप कि आपका करवा चौथ बहुत मज़ेदार जाए, बहुत 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 प्यारा जाए। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल हैं आपके? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज दो रीज़न है आपके अच्छे होने के लिए। एक तो उन दोस्तों के लिए जिनको मेकअप अच्छा लगता है एंड वो चाहते हैं कि बहुत ही प्यारी सी ड्रामेटिक मेकअप लुक क्रिएट करना है इस करवा चौथ पे, उनके लिए मैंने क्रिएट की है ये बहुत प्यारी लुक। ये स्पेशली उन दोस्तों के लिए जिनको थोड़ा ज़्यादा ही ग्लैम लगना अच्छा लगता है। एक्चुअली कोई भी कर सकता है, पर बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जिनको बस क्विक एंड ईजी कोई मेकअप लुक चाहिए। उनके लिए भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ शूट कर पाऊँ कुछ दिनों में। करवा चौथ तो बस आई गया, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो ये लुक इस वीडियो में मैंने क्रिएट की है, एक तो ये रीज़न है। दूसरा है कि आज हम करने वाले हैं गिव अवे मेकअप, बहुत ही प्यारी मेकअप आइटम्स मैं गिव अवे करने वाली हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे इंस्टाग्राम पे जाना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है और इंस्टाग्राम पे मैं गिव अवे की पूरी डिटेल अपलोड करने वाली हूँ। एंड सो ये है वो सारे मेकअप प्रोडक्ट मैं गिव अवे करने वाली हूँ, एक्चुअली थोड़े नीचे करिए। सो डिटेल में इनकी पिक्चर मैं करूँगी अपलोड इंस्टाग्राम पे, उस पर आपको कमेंट करना है, पिक्चर को लाइक करना है एंड कमेंट में बताना है मुझे कि कौन सा फेस्टिवल आपका फेवरेट है। एंड येस दैट्स इट। और मुझे मेरे यूट्यूब पे भी फॉलो करना है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं चेक करूँगी कि अगर आप मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं या नहीं। सो दैट्स इट, ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी। इसका हम अनाउंस कर देंगे विनर इन 15 डेज। एक्चुअली मैं डेट नीचे छोड़ दूंगी कि कब हम विनर अनाउंस करेंगे। सो येस दैट्स इट। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट बार में बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। सो विदाउट फर्दर ड्यू जल्दी से इस वीडियो के साथ शुरू करते हैं एंड क्रिएट करते हैं ये प्यारी सी करवा चौथ लुक। ऑलराइट दोस्तों, शुरुआत हम करेंगे प्राइमर के साथ ताकि जो हमारा मेकअप है लॉन्ग लास्टिंग बने। जो प्राइमर मैं यूज करने वाली हूँ ये इप्सी बैग में आया था, ये है टार्ट का क्विंच। वो इसलिए क्योंकि मुझे हाइड्रेटिंग प्राइमर बहुत अच्छे लगते हैं और इसमें एक की बूंद बची है तो एक ही बूंद से मैनेज कर लेंगे। आप कोई सा भी प्राइमर यूज़ करें जैसा भी आपको अच्छा लगता है, इवनली इसे अपने चेहरे पे स्प्रेड कर लें। सो अगला स्टेप है फाउंडेशन। फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करूँगी वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इवनली मेरे चेहरे पे लगा लूँगी मैं लाइक डॉट्स में। इस पे पंप नहीं है, ये इसका डाउन पॉइंट है, पर इसका जो शेड है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और जो फिनिश है मस्त आती है। ऐसा लगता है कि आपने हाई एंड फाउंडेशन यूज़ किया है। आई डोंट नो अगर आपके साथ ऐसा होता है या नहीं, पर मेरे साथ ऐसा होता है कि अब तो मैं बहुत तगड़ी लुक कर रही हूँ ब्ला 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 ब्ला, पर जिस दिन करवा चौथ होता है उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा क्विकली कुछ भी कर लेती हूँ। पर इस बार मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी रेडी होना शुरू कर दूँगी मैं। सो मॉर्फी के कुछ इस तरह दिखने वाले ब्रश के साथ हम हमारे फाउंडेशन को ब्लेंड कर देंगे डैबिंग मोशन। आप देख सकते हैं इस फाउंडेशन की फिनिश एंड कवरेज कैसे है, जैसे आपने बहुत ही महंगा हाई एंड फाउंडेशन खरीदा है। एंड ये फाउंडेशन है $5 का और आपको पता है कि मेरी जो स्किन है थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है और इस फाउंडेशन से मेरी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना फिलहाल, ये डॉलर स्टोर के मेकअप के साथ हुई है जो उस दिन मैंने लगाया था। अगर वो वीडियो आपने अभी तक देखी नहीं है तो देख सकते हैं। एक्चुअली लगाते ही मैंने मेरे फेस को क्लीन कर लिया था, बट फिर भी स्किन मेरी होगी थोड़ी सी खराब, कोई नहीं ये हो जाएगी अच्छी कुछ दिनों में। पर ये मुझे लगता है ये फाउंडेशन की मेरी तीसरी चौथी बॉटल है और अभी भी ये इसने कभी मेरी स्किन को ख़राब नहीं किया और वेट एंड वाइल्ड क्रूल्टी फ्री भी है, एक और गुड पॉइंट। सो मुझे लगता है कि एक ही बार फाउंडेशन इज़ गुड इनफ और मुझे ज़्यादा नहीं करना है। अब मैं फिटमी का कंसीलर लगाने वाली हूँ। एक्चुअली जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ उन्हें मैं छोड़ दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरी कोशिश करूँगी पूरी पूरी। सो इस शेड का नाम है 15 लाइट। इससे हम हमारे चेहरे को हाईलाइट कर लेंगे क्योंकि आज हमारा दिन है चमकने का, हमें हाईलाइट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर कंसीलर लगाने के बाद इस एरिया में ऐसे लगाती हूँ क्योंकि इससे मेरी आई ना लिफ्टेड लगती है। स्पेशली अगर आपकी आई थोड़ी ड्रूपी सी है तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, ये स्टेप करके देखना आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। सो हम ना अब क्या करेंगे कि फाउंडेशन के प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि आई मेकअप पे ज़्यादा समय लगने वाला है क्योंकि ये फाउंडेशन अप्लाई एप्लीकेशन की एंड टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो नहीं है, ये फुल लुक की है और मैं नहीं चाहती कि ये जो मेरी वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। सो हम थोड़ा क्विकली करेंगे। अगर आपको ये मेरे फाउंडेशन की टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने फुल कवरेज फाउंडेशन रूटीन बताया है, कैसे लार्ज पोर्स को हाइड करना है, बहुत सारी प्यारी प्यारी वीडियोस हैं तो आप वो देख सकते हैं। जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। सो अब थोड़ा प्रोसेस को क्विक करते हैं। काम के लिए जो आजकल मुझे ब्रश अच्छा लग रहा है वो है मॉर्फी का ये वाला क्योंकि इससे बहुत प्रिसाइजली आपका चेहरा हाईलाइट होता है और इधर उधर नहीं फैलता। सो मैं लाइक लंबा करके इसको ऐसे ऐसे डैबिंग मोशन में लगा लेती हूँ। यू आई कैन सी दिस थिंग। एक्चुअली एक बात ऐड करना चाहूँगी मैं, वो है कि फाउंडेशन आई मेकअप के पहले लगाएं या बाद में लगाएं ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, जैसे आपको अच्छा लगता है लगाएं। अगर आप बिगिनर हैं तो मेरी कोशिश होगी कि आप आई मेकअप पहले कर लें क्योंकि फिर वो गिर जाता है चेहरे पर और फिर बहुत मुसीबत हो जाएगी।
सो अगर आप मेरी तरह हैं लाइक एक्सपर्ट नहीं बट क्रेजी, तो आप फेस मेकअप पहले कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं फेस मेकअप नहीं करती ना तो मुझसे आई मेकअप अच्छा नहीं होता, मुझे पता नहीं चलता है कि क्या करूँ मैं। जब मेरा फेस रेडी है तो फिर मुझे पता है कि आई के साथ क्या करना है। आई डोंट नो यही रीज़न है या कोई और रीज़न है, बट मुझे लगता है कि यही रीज़न है। ऑलराइट दोस्तों, इस पॉइंट पर आप अपने आप फेस सेट कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर अपने चेहरे को ब्रेक दूंगी सेट होने के लिए फाउंडेशन, देन हम सेट करेंगे। अब मैं आई मेकअप करना डायरेक्टली शुरू करने वाली हूँ। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मॉर्फी की पैलेट। आप कोई सी भी मॉर्फी की वार्म शेड वाली पैलेट यूज़ कर सकते हैं। मैं इसलिए यूज़ करूँगी, शायद मैं इसमें से कोई वार्म शेड भी यूज़ करूँगी। ओके, सो सबसे पहले हम लेंगे कुछ इस तरह का ब्रश, एंड जो पहला मैं शेड लेने वाली हूँ वो है दिस, बहुत ही लाइट मेरे स्किन के जैसा। सो पहले शेड को फ्लफी ब्रश पे लेके एक्सेस को उतार के, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे चेहरे पे गिरे। अब हम हमारी क्रीज में लगा लेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से आप ब्रश को थोड़ी दूर से पकड़े, एंड देन आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि फिर प्रेशर ज़्यादा नहीं पड़ेगा और हार्श लाइंस नहीं आएंगी। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली होगा, ऐसे लगेगा कि आपने बहुत ब्लेंड किया है अगर आप कम प्रेशर के साथ करें। अगर बहुत प्रेशर के साथ लाइक पेंसिल की तरह लगाएं तो फिर सही नहीं लगेगा। और इसी कलर को हम थोड़ा ब्लेंड करते हुए आउटर साइड को ड्रैग कर देंगे, समथिंग लाइक आपकी आँख ऐसे लगेगी। अगला जो मैं शेड लेने वाली हूँ वो है दिस, ऐसा कुछ चलेगा। ये राउंड ब्रश है, इसे भी हम क्रीज में लगाएंगे, पर हम थोड़ा सा लो रखेंगे, एक्सेस को उतारना बिल्कुल मत भूलें। सो हम थोड़ा लो रखेंगे क्योंकि हमने वो वाला थोड़ा ऊपर लगाया है, और ब्लेंड करना शुरू करेंगे अंदर की तरफ एंड आप बाहर की तरफ। सो यस, इसी तरह अदर साइड। जब आपको लगता है कि आपके ब्रश पे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा दूर कर लें अपने हैंड को। अब मैं ब्रश ले रही हूँ, वो है तो फ्लफी बट इस किस्म का है, लाइक पहले से थोड़ा सा छोटा है। अब मैं लेने वाली हूँ शेड, ये वाला ब्राउन शेड। इससे मेरी आई को मैं करूँगी स्मोकी थोड़ा, बट इसे हम और नीचे कर लेंगे समवेयर हेयर, एंड देन स्मोक आउट करेंगे हमारी, समथिंग लाइक दिस। इसी तरह दूसरी साइड। सो जो ब्रश हमने सबसे पहले यूज़ किया था उसे लेके हम इसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं। वैसे तो मेरा प्लान है कि मैं मेरे लुक को मैट रखूं, पर आप रात को पहनते हैं एंड आज आपका दिन है शाइन करने का, तो थोड़ा शाइनी लगा ही लेते हैं। तो मैं यूज़ करूँगी ये वाला शिमरी शेड, जो कि काइंड ऑफ गोल्ड है, और मुझे लगता है कि रेड के साथ गोल्ड ब्राउन स्मोकी बहुत अच्छी लगेगी। सो इसे मैं लूँगी फिंगर पे एंड फुली मेरी आईज पे प्लेस कर दूँगी केयरफुली, इसलिए क्योंकि हमने फेस को सेट नहीं किया और हम नहीं चाहते कि स्प्रिंकल चेहरे पे गिरे। सो आप चाहें तो पिद्दू सा शीशा ले लें ऐसे। दिस इज़ वेरी क्यूट एक्चुअली। सो काइंड ऑफ हमारी हाफ लिड पे लगा लेंगे इसी तरह दूसरी तरफ। सो शिमरी शेड मैंने लगा लिया है, अब हमारी आई को थोड़ा और स्मोक आउट करेंगे हम लोग। उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, ये बड़ा ब्रश ले रही हूँ और दिस शेड लूँगी मैं, एंड सारी क्रीज की तरफ लगाएंगे हम, शिमरी शेड को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते वो ख़राब हो। इसको उतारना बहुत ज़रूरी है, और इन दो शेड्स को हम थोड़ा थोड़ा स्मच कर देंगे कि ऐसे लगे कि एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं, एक दूसरे से नाराज़ नहीं लगने चाहिए। सो इसी तरह इस एरिया में भी थोड़ा स्प्रेड कर देते हैं। ऑलराइट, पिद्दी ब्रश एंड ब्लैक शेड। ब्लैक के बिना हमारी ये लुक पूरी नहीं होगी, क्योंकि हमें थोड़ा काजल किस्म की लुक चाहिए। ब्लैक को लेके यही ब्रश पे ब्लैक को बाहर की तरफ से शुरू करेंगे और अंदर की तरफ इस तरह लेके आएंगे जैसे लाइनर हो, क्योंकि मैं लिक्विड लाइनर नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे लगता है कि पाउडर ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, एंड अलग सी स्मोक आउट सी लुक आती है, वो बहुत ही क्यूट एंड प्यारी लगती है, क्योंकि हमें बहुत ही प्यारी दुल्हन बनना है। देन बाहर की तरफ थोड़ा सा ब्रश आउट कर देंगे। सो अच्छा लग रहा है ना। सो अब इसको अंदर की तरफ लाते लाते थोड़ा थोड़ा छोटा करते जाएंगे। सो अगर आप चाहें तो इस काम के लिए थोड़ा छोटा ब्रश कर लें, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। सो थोड़ा अंदर की तरफ से मुझे छोटा करना पड़ेगा ब्रश, ये फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ मैं। सो अगला स्टेप है मस्कारा लगाना। सो मैं मेरी लैशेस पे मस्कारा लगा रही हूँ, सिर्फ अपर लैशेस पे, क्योंकि हमने लोअर लैशेस पे कलर नहीं लगाया अभी। ऑलराइट, सो अब मेरे फेस को सेट करने के लिए मैं दो पाउडर यूज़ कर रही हूँ। पहला तो है ये लॉरियल का इनफेलेबल प्रो, क्योंकि इससे मुझे और कवरेज मिलेगी, एंड दूसरा है ये लॉरा मर्सिए का लूज पाउडर। आप फिट मी का लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं ये लूज़ पाउडर यूज़ करूँगी। सो इससे मेरी चिन वाला एरिया समथिंग लाइक दिस। इसी तरह मैं इसे थोड़ा सा लोअर लैशेस पे एंड नोज़ पे भी लगाऊंगी। दैट्स इट, थोड़ा सा फोरहेड पे लगा लेते हैं, बाकी हम अदर पाउडर यूज़ करेंगे। दिस पाउडर ले रही हूँ मैं, इससे क्या होगा थोड़ी और कवरेज हो जाती है। पर मैं गर्दन पे लॉरा मर्सिए का लूज़ पाउडर ज़रूर से लगाती हूँ, फिर वो ना ट्रांसफ़र नहीं होता,
बहुत ज़्यादा अच्छी तरह लॉक हो जाता है। सो अगला है फेस को कॉन्टोर करना। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये ऑफ्रा का पाउडर। आप फिट मी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैं हमेशा करती हूँ। लुक एट दिस, मैंने इसका पैन हिट कर दिया क्योंकि मुझे इसकी फिनिश बहुत अच्छी लगती है। कुछ इस तरह का ब्रश ले रही हूँ मैं, थोड़ा चेहरे को शेप देंगे। पाउडर के साथ कॉन्टोर करना बहुत ज़्यादा आसान है, आप ज़्यादा गलतियाँ नहीं करते। मेरी ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है आईज, दैट्स इट, मेरी मेकअप की ज़िंदगी का। ब्लश के लिए मैं मॉर्फी का ये ट्रियो यूज़ करूँगी। ये दो शेड्स का मिक्स मुझे यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है, ताकि मेरे चेहरे पे ना ये थोड़े ठीक भी लगते हैं, क्योंकि हर ब्लश मेरे चेहरे पे अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता है। आजकल ना ब्लश थोड़ा साइड पर लगा रही हूँ, क्योंकि फिर मिडल में ऐसे एप्पल पे लगाते ना तो थोड़े बुढ़े लगते हैं। मैंने बहुत बार कोशिश की है कि मेकअप करते समय आलतू फालतू गल्ला करूँ, मज़ेदार वीडियो में गपशप करूँ, पर जब मैं मेकअप कर रही हूँ मुझसे और कोई काम होता ही नहीं है। कि आप भी ऐसे हैं बताना मुझे। ओके, अब आईब्रोज को फिल कर लेते हैं। आईब्रो को फिल करने के लिए हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं और हमारे पास समय की बहुत ज़्यादा किल्लत है, क्योंकि मुझे ना ये जो आउटफिट मैंने पहना है ये भी मैंने सिला है कल ही, एंड इसकी मुझे शूट भी करना है कि ये कैसा दिख रहा है मुझ पर, एंड यस वो वीडियो कल आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अगर अभी तक नहीं किया है तो, ताकि वो वीडियो को आप मिस नहीं करें, क्योंकि बहुत प्यारी क्यूट वीडियो है वो। ऑलराइट दोस्तों, एक्चुअली क्या है कि जो मेरा टेबल है उसको मैंने सिलाई का टेबल बना लिया था कुछ दिन पहले, सो अब वो मुझसे दूर है और सारे मेकअप प्रोडक्ट्स को लेने के लिए मुझे बार बार जाना पड़ता है। अब मैं ब्रश ले रही हूँ ये स्पूली, ब्रोज को ब्रश कर लेते हैं आईब्रो हेयर को, ताकि जो फेस प्रोडक्ट है वो उससे उतर जाए। ओके, मेरे आईब्रो को मैं कैसे ग्रूम कर रही थी उसकी मैं एक वीडियो शूट करूँगी। मैंने ना इंस्टाग्राम पे IGTV पे डाली भी थी, पर मुझे लगता है मैंने यूट्यूब पे नहीं डाली। ओके, सो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये प्यारा सा आईब्रो जेल, जो कि है लॉरियल का, शेड का नाम है डीप इट ब्रूनेट। एंगल ब्रश पे लेके सारे प्रोडक्ट ना पकड़ के रखे मैंने, सो एंगल ब्रश पे लूँगी मैं जेल और आईब्रो बना लेंगे। सो लेस देन 30 सेकेंड में मेरा आईब्रो रेडी है। सो आज है बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन और लैशेस के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ सिमोर लैशेस की पंजाब स्टाइल, जो हर एक स्पेशल ओकेजन में आपके मेकअप को और ज़्यादा स्पेशल बना देती है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ, मेरी खुद की एक लैश लाइन है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जल्दी से जाएँ, अपनी लैशेज़ खरीद लें, बहुत बहुत प्यारी लैशेज है मेरी, पर पहनेंगे ना तन तन कर उठेंगे आप। सो पंजाब लैशेज़ लगाने वाली हूँ मैं। सो जब तक मेरी लैशेज़ पे ग्लू ड्राई होता है, हम लोअर लैशेज़ को थोड़ा पेंट कर लेते हैं। उसके लिए हम सेम ही क्रीज की तरह कलर यूज़ करेंगे, सबसे पहले लाइट देन दिस देन ब्लैक। उसको भी बिल्ड करके लगाएं, क्योंकि अगर एकदम से आप एक ही रंग लगा लेंगे ना डार्क तो फिर बहुत पैची लगता है। सो उसे भी वैसे ही बिल्ड करें जैसे अपने आई मेकअप को आईलेट पे आपने बिल्ड किया है। अभी ये थोड़ा ऑरेंजी किस्म का शेड, अब मैं थोड़ा डार्क ब्राउन लगा रही हूँ। इसके लिए मैं ब्रश को भी थोड़ा छोटा करूँगी और अब ब्लैक के लिए ब्रश को सेम ही रखूँगी, पर ब्लैक को सिर्फ ज़्यादा आउटर साइड पे रखूँगी एंड देन अंदर ड्राई करूँगी। आई गेस लैश ग्लू ड्राई हो चुका होगा, सो लैश ग्लू को लगा लेते हैं, सॉरी लैशेस को लगा लेते हैं, नॉट लैश ग्लू को। तो हम यूज़ करेंगे मेरा सीक्रेट ट्रिक, जिसमें हम देखेंगे कि लैशेस सही लगी हैं या नहीं, इससे पूरा परफेक्ट पता चल जाता है। आईज को सजाने में कोई भी कमी ना रह जाए उसके लिए हम लाइनर यूज़ कर रहे हैं, तो उसको मैं अंदर की तरफ एंड बाहर की तरफ, जो मेरा क्लासिक तरीका है वैसे ही लगाऊंगी मैं। थोड़ा सा मैं इनर टियर डॉट के पास भी लाइनर लगाती हूँ, है तो ये बहुत ही नन्ना स्टेप, पर आई लुक में काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर आप इसे यूज़ नहीं करते तो अब करके देखें, आपको पता चल जाए। सो बेसिकली ये मेकअप लुक है उनके लिए जो नई दुल्हने हैं या फिर जिनका मन है दुल्हन के जैसे तैयार होने का। मैं कोशिश करूँगी कि एक बहुत ही सिंपल सा मेकअप लुक भी क्रिएट करूँ उन दोस्तों के लिए जो कम करना चाहते हैं। सो अगर आपके लिए ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, वैसे तो बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको बताया है, पर स्टिल लग रहा है तो हम एक और कोशिश करेंगे शूट करने की। सो हम आई मेकअप डन है, हाईलाइट के आजकल इतनी दीवानी नहीं हूँ मैं, पर थोड़ा सा हाईलाइट भी कर लेंगे। चलो हाईलाइट के लिए मेरे पास ब्रश ही नहीं है कोई, तो हाईलाइट के लिए मैं यूज़ करती हूँ मेबलिन का मास्टर क्रोम, शेड का नाम है मॉल्टन गोल्ड, बहुत ही प्यारा शेड है ये ब्राउन लोगों के लिए। तो थोड़ा थोड़ा हाई पॉइंट्स पे लगा लेते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर आपके चेहरे पे पोर्स एंड ब्लाबला है तो और ज़्यादा दिखेगा वो। सो ज़्यादा मत लगाना, लेटर बेट लगाना, चांद की तरह चमक जाना। अगर आपको लगता है आपने ज़्यादा लगा लिया है तो मेरा फेवरेट स्टेप करें फाउंडेशन के साथ, ऐसा ऐसे करें। अगर आपने ज़्यादा नहीं भी लगाया तब भी ये स्टेप ज़रूर से करें, क्योंकि फिर ऐसे लगता है कि ग्लो आपके अंदर से निकल रहा है। ऑलराइट दोस्तों, है तो ये करवा चौथ लुक, मुझे लगता है कि हमें रेड लिपस्टिक पहननी चाहिए, पर हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ही हो गया,
तो आप लाइट लिपस्टिक भी पहन सकते हैं। सो लाइट के लिए मेरे पास बहुत प्यारी ऑप्शन है, वो है ये वेट एंड वाइल्ड की मेगा लास्ट लिक्विड लिपस्टिक, इसका नाम है रेबल रोज़। इसको लगा के बता देती हूँ मैं कि कैसे लग रही हो। ये बहुत ही प्यारा न्यूड शेड है ब्राउन स्किन के लिए। वैसे इस न्यूड की टोन है जो कूल है। सो इस तरह का लग रहा है ये मेकअप और इस तरह की लग रही है ये लिपस्टिक। बिंदी भी लगानी जरूरी है, लाल बिंदी लगाएंगे, लाल बिंदी मिल भी गई। सो हम पहनेंगे थोड़े से गहने। दरअसल मेरे पास यहाँ पे गहने हैं ही नहीं, गहने मेरे ना डाउनस्टेयर हैं। ओह आई फाउंड अ चोकर, यही पहन लेते। और मेकअप के एंड में अपने मेकअप को सेटिंग स्पेसेस ज़रूर से सेट कर लें ताकि लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। अगर आपके चेहरे पे कोई गलती से हाथ भी ला दे तो उतरे नहीं। एंड एक्चुअली मैं मेरे बालों को क्या करूँ, आई डोंट नो। बालों को एक्चुअली मैंने धोया है बट फिर भी अजीब ही लग रहे हैं वो। गाइस मेरी जो ज्वेलरी है ना सारी बेसमेंट में पड़ी है और इसके साथ जो झुमके हैं वो मुझे इतने पसंद नहीं है, पर क्या करेंगे अब पहनने पड़ेंगे। होते रही आई कैन वेयर दिस, लेट मी चेक इफ द लुकिंग ओके। नो कैन वेयर ओके। सो सिंदूर भी लगा लेते हैं, ये मेरे पास जो लिक्विड लिपस्टिक है उसकी के साथ ये। सो मुझे पता नहीं मैंने आपको बताया या नहीं, रेड जो है मेरा फेवरेट कलर है बहुत समय से। जब मैं मैरिड नहीं थी तब मुझे रेड पहनने के लिए काफ़ी ज़्यादा सुनना पड़ता था कि रेड शादीशुदा गर्ल्स के लिए होता है, गर्ल्स को इतना ब्राइट कलर नहीं पहनना चाहिए, तो मैं नहीं पहन पाती थी। पर अब पता नहीं मैं क्यों नहीं पहन रही हूँ। और यस सो इस तरह ये लुक कंप्लीट हो गई है न्यूड लिप्स के साथ ही, कुछ इस तरह की लग रही है। अगर आपको लगेगा कि रेड आउटफिट है, रेड बिंदी, रेड सिंदूर और बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो न्यूड लिपस्टिक पहन सकते हैं। सो यस इस तरह लग रही है हमारी लुक। और जो दोस्त चाहते हैं रेड लिपस्टिक पहनना उनके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है। ये वेट एंड वाइल्ड की बहुत प्यारी लिक्विड लिपस्टिक है और ये लगी हुई बहुत अच्छी लगती है एंड काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। पिंक एंड ये रेड मिक्स होकर अजीब सा कलर बन गया। ऑल राइट प्यारे दोस्तों, तो इस मेकअप लुक के साथ बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप ये मेकअप लुक क्रिएट करेंगे ना तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग जरूर करना या अपनी पिक्चर सेंड कर देना अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है तो, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझे पिक्चर सेंड करते हैं और उनको देखना मुझे बहुत मज़ेदार लगता है। एंड ऑल्सो कमेंट बार में बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी एंड गिव अवे में पार्टिसिपेट ज़रूर से करना। उसके सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी और कौन से प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। अगर आपने मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया तो ज़रूर से कर ले। एंड और क्या बताना था, मैं आई डोंट नो कुछ दिन हो गए कि मेरे जो हेयर है ना मेरा साथ नहीं दे रहे हैं और हर टाइम अजीब ही दिखते हैं और मैनू आज भी ना मज़ा नहीं आ रहा बालों से। आई डोंट नो क्यों, बालों को ना कुछ डीप कंडीशनिंग देना पड़ेगा, कोई मास्क लगाना पड़ेगा कि बेचारे दोबारा से खुश हो जाएं, क्योंकि पहले बेचारे खुश होते थे अब बेचारे ना थोड़े दुखी अनहैप्पी लग रहे हैं मुझे ये। सो या जा रही हूँ मैं भाई। और अगर आप देखना चाहते हैं मेरा फुल आउटफिट तो प्लीज़ वेट करना, कल ये वीडियो अपलोड करूँगी मैं। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड नोटिफिकेशन को भी हिट करना पड़ेगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। ओके बाय, लव यू। सो एक बार फिर से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं।